क्या हुआ, निराश हो गए ना, थक गए ना? अभी अभी न्यूज आया है कि 10th CBSE बोर्ड का एग्जाम कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। दुख तो होता है यार, बहुत दुख होता है। टीचर होने के नाते हमने साल भर मेहनत से पढ़ाया, वो गरीब का बच्चा 10,000 रुपये पता नहीं कहाँ से ला करके दिया होगा 1 साल पढ़ने के लिए 10th का, लेकिन बाद में पता चला कि एग्जाम ही नहीं होगा। दुख होता है और होना भी चाहिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि सरकार सुनने वाली है नहीं। आप कितना भी चिल्ला लो, कुछ भी कर लो, 1% नहीं सुनेगी सरकार। एक किसान शुरू से फसल को बहुत अच्छे से क्या करता है और देखभाल करता है, उसको पानी देता है, बहुत अच्छे से उगाता है, और जब काटने की बारी आती है तो बारिश हो जाती है, वही वाला हाल हुआ है। ठीक है, मैं मानता हूँ कोरोना केसेज बढ़ रहे हैं, लेकिन आप बहुत सारे इंतजाम करके ठीक है आप एग्जाम करवा सकते थे, लेकिन 10th बोर्ड का एग्जाम आपने कैंसिल करवा दिया, अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि साल भर बच्चे ने मेहनत किया है, बहुत सारे गरीब तबके के बच्चे थे जो 10,000 रुपये देकर के साल भर पढ़ाई किए थे। ठीक है, अब सोचो उनके साथ क्या बीत रहा होगा। ठीक है, और तो बहुत सारे बच्चे कॉल भी मेरे को कर रहे हैं, सर पॉलिटेक्निक पे क्या होने वाला है, क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम आने वाला है 15 जून को, सर एग्जाम नहीं होगा क्या? अब इतने कॉल आ रहे हैं, सर पोस्टपोन हो जाएगा, मैं उनके लिए बातचीत करूँगा थोड़ा सा। ठीक है, और 10th के बच्चे बिल्कुल भी नाराज़ ना हो यार, और बिल्कुल भी हताश ना हो, क्योंकि परीक्षा से ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी से परीक्षा है। ठीक है, यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी में एग्ज़ाम है। आपको करना क्या है, कोई बात नहीं, नहीं होगा हम देख लेंगे, हमारे पास नॉलेज तो है ना, हम कैपेबल हैं, आगे और चलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप हताश ना होइएगा। और पॉलिटेक्निक के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये मान के चलना है कि आपका 15 जून को पेपर होगा यूपी पॉलिटेक्निक का, ये आप मान के चलना, डेडलाइन तय करना, ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं, एंट्रेंस एग्जाम एकदम होना ही होना है, 100% होना है, ये मान के चलो। और आपको मान के चलना है 15 जून का आपका एग्जाम होगा यूपी पॉलिटेक्निक का। बिहार का तो फॉर्म ही नहीं आया, झारखंड का फॉर्म ही नहीं आया, IRT का फॉर्म ही नहीं आया, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। केसेज बढ़ रहे मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप इसका इंतजाम भी तो कर सकते हैं ना। 1 साल से क्या कर रहे थे, पता नहीं कौन सा वैक्सीन आ रहा था, यही सारी चीज़ें चल रही हैं, तो बिल्कुल घबराए नहीं। ठीक है, 10th के बच्चे मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं समझ सकता हूँ फीलिंग आपकी, पता नहीं क्या ग्रेड वगैरह देकर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, ऑनलाइन होगा, और ग्रेड वगैरह देकर के पता नहीं क्या कैसे करने वाले, मुझे 1% भी समझ में नहीं आ रहा उनका। और 12th बोर्ड का अभी रद्द नहीं किया गया है, उनको 15 दिन पहले नोटिस दी जाएगी कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक में क्या असर पड़ेगा, ये सारे बच्चे मेरे पास कॉल करके पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूँ आपको करना क्या है। आपको अभी से तैयारी करना है और मान के चलना है, मान के नहीं चलना, एग्ज़ाम होगा, 100% होगा, हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, हो सकता है, लेकिन आपको जून में ही एकदम टारगेट करके चलना है, जून में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आपका एग्जाम होगा, 100% होगा, और पोस्टपोन नहीं होगा, मतलब सॉरी पोस्टपोन हो सकता है, मतलब कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, कुछ चांसेज हैं पोस्टपोन होने के कि आगे डेट बढ़ सकती है, बट बेटा कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि पिछले बार नवंबर में एग्जाम हुआ था। ठीक है, कहीं कहीं सितंबर में, कहीं नवंबर में, अक्टूबर में एग्जाम हुए थे, लेकिन हुए थे, जो कि अप्रैल में एग्जाम हुआ करता था, हुआ था पिछली बार यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम सितंबर में हुआ था, 12 सितंबर को, हाँ शायद 12 सितंबर, मतलब सितंबर में ही हुआ था। होता कब था, अप्रैल को, 20 से 25 30 अप्रैल तक होता था ये एग्जाम, लेकिन कब हुआ था, सितंबर में हुआ था। इस बार भी पोस्टपोन हो सकता है, कुछ चांसेज हैं, बट कैंसिल नहीं होगा, होगा आपका एग्जाम, तैयारी आपको अच्छे से करना है, और बिल्कुल भी हताश नहीं होना आपको। हम क्या कर सकते हैं, हाँ दुख होता है कि एक टीचर इतना मेहनत से बच्चों को पढ़ाता है और बाद में चल के पता चला एग्जाम ही नहीं होगा, ये चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा मन बहुत ही दुखित होता है एक टीचर होने के नाते। हमने साल भर मेहनत से पढ़ाया, वो गरीब का बच्चा 10,000 रुपये पता नहीं कहाँ से ला करके दिया होगा 1 साल पढ़ने के लिए 10th का, लेकिन बाद में पता चला एग्ज़ाम ही नहीं होगा। दुख होता है और होना भी चाहिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि सरकार सुनने वाली है नहीं। आप कितना भी चिल्ला लो, कुछ भी कर लो, 1% नहीं सुनेगी सरकार आपकी। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, और बिल्कुल भी कॉल ना करें, और आप ये वीडियो देख के समझ जाएं कि बिल्कुल आपका एग्जाम होगा और 100% होगा पॉलिटेक्निक का। ठीक है, अब पता नहीं 10th का क्या होगा, अब तो बोल दिया, रद्द कर दिया हमने, मतलब क्या बीतेगा बच्चों प्यार। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इमोशनल हो जाऊँगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आपका एग्ज़ाम होगा पॉलिटेक्निक का, IRT का, बस आप लगे रहिए। थैंक यू सो मच, और वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए, दिखाइए कि रियलिटी क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच।